तो ये है कि इंशाल्लाह कमबैक करेगी इंडिया। अगर उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो बहुत अच्छी है, ठीक है। दो मैच से हम उनके कह सकते हैं किरदार पर उंगली नहीं उठा सकते, ठीक है। खेल में हार जीत होता है, बर्दाश्त करना होता है, हर बारी हर बंदा नहीं जीत सकता है, हर मुल्क नहीं जीत सकता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स योर होस्ट मोहम्मद उमर। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप का तो सीन ऑन है और उसके साथ ही सारी टीम्स अपना अपना बेस्ट दे रही हैं, बट बैडली टीम इंडिया को मैं काफ़ी पीछे देख रहा हूँ और इस चीज़ का मुझे काफ़ी अफसोस है कि काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी टीम इंडिया से कि टीम इंडिया एक अनबीटेबल टीम रहेगी पूरे टूर्नामेंट में, पर बिल्कुल ऑपोजिट देखा जा रहा है टीम इंडिया को। इस सारी सिचुएशन में टीम इंडिया के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि गुड लक फॉर योर अपकमिंग मैचेस, और टीम इंडिया के लिए बेस्ट विशेज़ हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि टीम इंडिया कम्पीट करे और हम इंडिया को फाइनल में देखें पाकिस्तान के साथ। पर्सनली अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो आई वॉन्ट इंडिया वर्सेज़ पाकिस्तान फ़ाइनल, बट कोई ऐसी सिचुएशन बनती नज़र नहीं आ रही। और आज का क्वेश्चन भी मेरा इसी से रिलेटेड है कि कौन सी दो कंट्रीज़, कौन सी दो टीम्स फाइनल में एक दूसरे को फेस करेंगी, और इस बार वर्ल्ड कप T20 2021 की ट्रॉफी किस कंट्री में जाएगी और किस रीजन में जाएगी, एशिया में जाएगी या किसी इंग्लिश कंट्री में जाएगी। तो चलते हैं पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है और इस बार का वर्ल्ड कप किस कंट्री में और किस रीजन में जाएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और सजेशन अपनी ज़रूर दिया करें, और मुझे ये ज़रूर बताएं कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वर्ल्ड कप एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा। ब्रदर क्या लगता है आपको, इस बार का जो वर्ल्ड कप है वो एशिया में आएगा या किसी इंग्लिश कंट्री के पास जाएगा? आई थिंक बेशक पाकिस्तान मैच जीत रहे हैं लेकिन पता कुछ नहीं होता, एकदम से हारने पे आए तो नबीबिया से भी हार सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी कोई ऐसे नहीं कह सकता कि हम ही जीतेंगे। आई थिंक सो जो हमारे कंपेटिटर्स टीम है वो काफ़ी स्ट्रांग है, तो हो सकता है न्यूजीलैंड के पास भी जा सकता है, इंग्लैंड वगैरह भी अच्छे खेल रहे हैं तो उनके पास भी जा सकते हैं। तो आपको लगता है कि इस बार का जो वर्ल्ड कप है वो एशिया में रहेगा या कोई इंग्लिश कंट्री लेके जाएगी? सो इन पाकिस्तान। या आई एम श्योर इंशाल्लाह पाकिस्तान। तो आपको लगता है कि टीम इंडिया जिस सिचुएशन में है कमबैक करेगी? इंडिया हाउस पॉसिबल, ऑलरेडी वो इतने मैच हार चुके हैं और आपने देखा नहीं उनके प्लेयर कितने कंफ्यूज हैं और कितने वो हो गए हैं, मतलब जब से पाकिस्तान से आ रहे हैं उसके बाद तो उनकी सख्त ही खत्म हो गई है भाई। इंशाल्लाह हमारे मुल्क की जीतेगा और इंशाल्लाह एशिया में आएगा, ये वर्ल्ड कप आएगा। इंडिया वालों को वो जो है ना वो गुरूर में थे, वो गुरूर करते हैं, हम गुरूर नहीं करते, हमें गुरूर नहीं पसंद है, हम भाई लोग हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, हम इंशाल्लाह ये मुल्क ही जीतेगा, ये हमारा इंशाल्लाह ईमान है और हम इंशाल्लाह जीतेगा ये मुल्क, पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह और पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अगर फाइनल पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान आ गया तो नहीं, किसे सपोर्ट करोगे? मैं पाकिस्तान को ही सपोर्ट करूँगा, मैं पाकिस्तानी हूँ, वो भी भाई है इंशाल्लाह, यहाँ अभी भी पठान है, हम खुद पाकिस्तानी है, ये जो भाई हैं सारे एक ही चीज़, वो भी मुसलमान है हम भी मुसलमान है। तो सर आपको क्या लगता है कि इस बार वर्ल्ड कप एशिया में रहेगा या किसी इंग्लिश कंट्री में जाएगा? नहीं नहीं इंशाल्लाह एशिया में रहेगा और हमारा पाकिस्तान ही जीतेगा। टीम कौन सी फेवरेट जा रही है टूर्नामेंट में आपकी? टूर्नामेंट में टीम की जहाँ तक बात की जाए तो इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि मतलब आके परफॉर्म करेगी, विराट कोहली ने भी अपने एंड पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ये है कि अभी मुश्किलात में आई हुई है। बाकी टीमों की अगर बात की जाए तो उसमें इंग्लैंड ग्रुप वन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और ग्रुप टू की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान अभी तक कोई मैच नहीं हारा। तो कौन सी दो टीमों को सेमीफाइनल और फाइनल में देख रहे हैं आप? मैं पर्सनली तो यही चाहूँगा कि इंडिया कमबैक करे और पाकिस्तान के साथ फाइनल हो उसका ICC वर्ल्ड T20 के अंदर, और मतलब उम्मीदें भी हैं कि एक जो रौनक लगती है दोनों कंट्रीज़ के अंदर, पाकिस्तान में इंडिया में स्क्रीनिंग होती है, लोग इंजॉय करते हैं, खुशी मतलब आती है दोनों मुमालिक के अंदर, तो मतलब मैं यही चाहूँगा कि इंडिया कमबैक करे और पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो। तो जो सिचुएशन अभी चल रही है इंडियन क्रिकेट की अभी तक, आपको अभी भी एक्सपेक्टेशन है टीम इंडिया से कि वो फाइनल में जाए? इंशाल्लाह इंशाल्लाह मतलब करेगी, तो ये है कि इंशाल्लाह कमबैक करेगी इंडिया। वर्ल्ड कप एंजॉय कर रही हैं? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा, बल्कि प्राउड फील कर रहे हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेल रही है, और यही दुआ करें कि मजीद इस तरह अच्छा खेलते रहें और वर्ल्ड कप हमारे नाम करें। आपको लगता है वर्ल्ड कप इस बार पाकिस्तान में आएगा या किसी इंग्लिश कंट्री में जाएगा? नहीं नहीं इंशाल्लाह पाकिस्तान में आएगा और हम इसके दुआ गो भी है। लगता है इंडिया कमबैक करेगा?
कपिल इस वक्त होगा कहना, आई डोंट थिंक सो कि वो करेगा। इंडिया को कहाँ देख रहे हैं इस सब सिचुएशन में आप? इंडिया कम बैक कर सकता है, इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, कोई हल्की पुल्की टीम नहीं है। हमने उसको वैसे एक मैच हरा के कुछ ईजी ले लिया, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी हराया, न्यूजीलैंड ने भी यार देखो दो बार मैच हारने से पूरे उनका देखे ना, अगर उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो बहुत अच्छी है, ठीक है। दो मैच से हम उनके कह सकते हैं किरदार पर उंगली नहीं उठा सकते, ठीक है। तो वो अगर कम बैक करना चाहें तो फिर दोबारा से हम बैठ के बस वही सोचते रहेंगे कब मौका मिलेगा। आपको लगता है कि इंडिया कम बैक करे और फाइनल तक आ सकता है? एग्जैक्टली कर सकता है वो। अब वट इज़ योर रिव्यू अबाउट विराट कोहली? उन पर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्रिटिसाइज कर रही है इंडियन अवाम, उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उन्हें थ्रेट्स दे रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कोई पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे? डेफिनेटली आई विल गिव यू द पॉजिटिव मैसेज बिकॉज वी आर द पाकिस्तानी, वी डोंट हैव नेगेटिव थॉट्स अकॉर्डिंग टू द लाइक इंडिया मीडिया एंड अदर इंडियन पीपल्स, बट दे शुड सपोर्ट द विराट कोहली। विराट कोहली इज लेजेंड प्लेयर एंड ही इज ऑलरेडी प्लेड वेल विद फॉर द इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा उसने अच्छा नहीं खेला। तो इंडिया की पब्लिक को ये हमारी तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज है कि उनको सपोर्ट करें और जस्ट गेम को आप गेम ही समझें, ना कि उसको आप फाइट और बैटल फील्ड समझें। तो पाकिस्तान के खिलाफ स्पेशल उनको होता है, लेकिन अच्छी बात नहीं है। प्लेयर दुनिया के सब जो होते हैं वो हीरोज होते हैं और अपने हीरोज़ की स्पेशल रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सही हो गया। आप कौन सी दो टीम्स को फाइनल में देख रहे हैं? इंग्लैंड की पोजीशन अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया की भी अच्छी है, अब पाकिस्तान के और ऑस्ट्रेलिया के ही बनेगा। तो आपको लगता है कि वर्ल्ड कप में इंडिया कमबैक करेगा? इंडिया फारूक हो गया, अब वो अगले साल इंतज़ार करेगा, एक साल इंशाल्लाह इंतज़ार करेगा, दिन गिनती करते जाएगा कि कब आएगा वर्ल्ड कप, और इंशाल्लाह फिर वो बाहर होगा। अब वो नहीं जीतेगा, वो बड़े गरूर करता था, हरभजन सिंह भी बड़ा गरूर था, वो बहुत गरूर कर रहा था। इंशाल्लाह हमारे जवान जो है ना वो शेर है इस टाइम, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदा हो। अच्छा यार, तो इंडिया में जो इंडियन कैप्टन है विराट कोहली, उन्हें लोग बहुत तंग कर रहे हैं, तो ये क्या ये चीज़ ठीक है? नहीं, ये अच्छा नहीं है। देख खेल है, खेल हार जीत होती है, मगर ये जो इंडिया के जो चैनल है वो उनको परेशान कर रहे हैं प्रेशर, और ये अवाम को कभी भी ये नहीं करना, ये हार जीत आता है, खेल में हार जीत होता है, बर्दाश्त करना होता है। हर बारी हर बंदा नहीं जीत सकता है, हर मुल्क नहीं जीत सकता है। देखो पाकिस्तान की टीम ने मेहनत की है तो आगे बढ़ गया, अगर ये मेहनत नहीं करता तो उसको ये नहीं मिलता था। इंडिया का कमबैक करना तो बहुत मुश्किल हो गया है, अभी सूरत हाल जो जा रही है वो आप सबके सामने है। उसमें ये है कि न्यूजीलैंड का आपको पता है कि उसको हारना पड़ेंगे मैचेस, और इंडिया को बहुत अच्छे उसके साथ स्कोर के साथ जीतना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या बनता है क्या नहीं बनता। आपको लगता है कि इंडिया इतनी स्ट्रेंथ रखती है और विराट कोहली पे इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखें, खेल का हिस्सा है, मतलब जहां मैच बंदा हारता है वहां जीतता भी है, और जहां जीतता है वहां हार भी है। खेल में हार जीत तो खेल का हिस्सा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि विराट कोहली के ऊपर करना चाहिए। एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है विराट कोहली, की अगर बात की जाए उसकी बैटिंग लाइन जो है बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की बैटिंग लाइन है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब नई तनकीद नहीं करनी चाहिए, उन्हें ही मतलब आगे लीड करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया तो आउट ऑफ द फील्ड जा रहा है फिलहाल, ऑस्ट्रेलिया के कोई चांसेस नहीं नज़र आ रहे हैं। अगर अफगानिस्तान के साथ भी अगर हमारा सेमीफाइनल आ गया तो आप अफगानिस्तान को ऐसे ईजी ना लें, तारीख क्रिकेट की हिस्ट्री में बहुत शॉर्ट टाइम में इन्होंने जितना ग्रोथ किया है, और स्पिरिट है जो ज़ाहिर है वो पठान है, उनके अंदर स्पिरिट तो होना ही होना है, और सेकंडली वो मुस्लिम भी हैं, वो भी स्पिरिट उनके अंदर होता है, एक अल्लाह की तरफ से ईमान है उनका, वो भी है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ किया और टफ टाइम देंगे पाकिस्तान को। इस दफ़ा भी इन्होंने वो हसन अली ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर पाकिस्तान की टीम देखें और अफगानिस्तान की टीम देखें तो उन्होंने लास्ट टाइम पे भी टफ ही टाइम दिया है। कोई मैसेज देना चाहेंगे क्रिकेट लवर्स के लिए? जी, क्रिकेट लवर्स के लिए यही कि आप लोग दुआ करें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जीते, क्योंकि हमारे मुल्क का फ़ख्र भी वही है, और हमें इस बात पर फ़ख्र होगा कि वर्ल्ड कप हमारी कंट्री में आएगी।